नमो आदेश गुरु जी को। सभी दर्शकों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। दर्शकों, यदि आपके घर का कोई भी सदस्य, विशेष रूप से बच्चा, आपके कहने पे नहीं चल रहा, अपनी मनमर्जी कर रहा है, गलत संगत में पड़कर अनेक प्रकार के नशे कर जीवन और घर को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, आपने अनेक उपाय कर लिए, लाभ नहीं हो रहा, तो आज का ये वीडियो पूरा देखें। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार अवश्य ही घटित होगा। आज इस वीडियो में ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने घर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी को समाप्त कर सकते हो एक छोटे से उपाय से। दर्शकों, यदि आपको लगता है कि आपके घर, परिवार, व्यापार में बार बार कोई कुछ कर देता है या किसी की नेगेटिविटी या नजर या हाय आपके घर पर लगती है, कारोबार पर लगती है और आप परेशान हो चुके हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आज का ये वीडियो आपके जीवन में चमत्कार अवश्य ही घटित करेगा। दर्शकों, इन दोनों महाउपायों के बारे में आपको बताने से पूर्व हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया या आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हरगिज ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो और उसे देखकर आप भरपूर लाभ उठा सकें। दर्शकों, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लाइक कर हमसे जुड़कर हमारे बहुमूल्य टोटके तथा लुप्त हो रही अनुभूत सच्ची साधनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हो। तो दर्शकों, यदि आपके घर का कोई भी सदस्य आपके कहने में नहीं है, वह अपनी मनमानी करता है, लोगों की बात सुनता है, गलत संगत में है, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और मूली, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, उसकी बाती लेनी है। आपको उसकी बाती बाजार में बनी बनाई भी मिल जाती है, नहीं तो आप उसे दो तीन बार फोल्ड कर बाती बना सकते हो और उसमें आपको काली मिर्च के 5 या 7 दाने डालने हैं और इसमें आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का अथवा देसी घी का प्रयोग कर सकते हो अपनी समर्थानुसार। शाम के समय सूर्य अस्त जब हो रहा हो, जिसे गो धूली बिला भी कहते हैं, उस समय अपने मंदिर में एक दीपक को जलाएं पूरब मुख कर। जो व्यक्ति अपनी मनमानी करता था, किसी की नहीं सुनता था, आपको उसकी बुद्धि में चमत्कारी रूप से परिवर्तन दिखाई देगा, गलत संगत भी छोड़ देगा, गलत आदतें भी छोड़ देगा, सभी प्रकार की नशों से वह तौबा कर लेगा। कर देखिए, और इस क्रिया को करते समय अपने इष्ट को प्रार्थना अवश्य करनी है और यदि आप कर सकें तो मात्र 11 बार सर्व बाधा विमुक्तो देवी धन धान्य सत्वंतिता मनुष्य मत प्रसादन भविष्यति न शंशया ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का आप 11 बार जाप करें और देखें कि कैसे आपके घर से कलाकलेश समाप्त हो जाता है
और सर्वथा शांति की स्थापना हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जहां परस्पर प्रेम प्यार होता है वहां पर देवता स्वयं ही खींचे आते हैं, वहां पर लक्ष्मी नारायण के साथ स्थायी रूप से वास करती है। दूसरा महा उपाय, यदि आपको लगता है कि आपके घर में व्यवसाय में बार बार नजर लग जाती है, आप थक चुके हैं उपाय कर 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 लेकर रिजल्ट नहीं मिलता, तो ठीक इसी समय शाम के समय गोधूली के समय जब सूर्य अस्त होने लगे तो एक मिट्टी का दीपक लें, बाती उसी प्रकार से कलावे की लेनी है और तिल का तेल या सरसों का तेल आप उसमें डाल दें और उसमें सरसों के थोड़े से दाने डाल दें और अपने इष्ट देव अपने कुल देव का स्मरण करते हुए आप जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदाच नमस्तुते इस मंत्र का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित करें और 11 बार इसका जाप करें। देखें कि किस प्रकार से सभी बुरी बलाएं आपके घर को छोड़कर भाग जाती हैं और सभी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, शांति ही शांति होगी, सभी रोग शोक सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। करिए, करने से आपको इसकी सत्यता का ज्ञान होगा। तो दर्शकों, यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज के इस वीडियो के संबंध में यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप प्रातः 10 बजे से लेकर मध्यान्ह 12 बजे तक दिए गए नंबर पर हमें फोन कर अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। तो दर्शकों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ।